सोलह गुड मॉर्निंग यार। आज के ब्लॉग की शुरुआत होने जा रही है हमारे घर से। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैं उन्हें बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के घर भेज दिया है। बाकी मैं थोड़ी देर सो गया था, तो ये देखो मेरे साथ आके ये भी सो गया है, डिम सो रखा है। ये देखो इसके हाल, ये देखो यार, ये देखो सीधा यहाँ आया और सो गया भी सुबह हमारे साथ ही। ऐसे क्या करे, मानता है नहीं है। मार खाएगा, मार घर जाकर, चल घर जा। ये देखो ना इसके काम, मैं गाड़ी में जा रहा हूँ बोल के कितना भाग रहा है ये, कितना तेज भाग रहा है ये, देखो ना इसको। अब क्या बोलूँ यार मैं इसको, मानता ही नहीं है। देखो ये अब गाड़ी के पास जाएगा और बैठ जाएगा वहीं। देखो ये कैसे देख रहा है गाड़ी में घुसने के लिए, देखो यार। घर के काम निपट चुके हैं, अब चलते हैं फटाफट। डिब्बी को भी छोड़ दिया हमने अपने घर, मतलब घर पे छोड़ दिया, उसे फील्ड में जा रखा था मेरे साथ ना, तो मैं उसे घर पे छोड़ दिया क्योंकि बाद में यार परेशान करता है वो, गाड़ी के पीछे पीछे भागता है। अरे देखो पाला जम रखा था आज, बहुत खतरनाक भाई। लेकिन अब ऊपर ले आऊँगा तो साफ हो जाएगा, वहाँ धूप है ना क्योंकि सूख जाएगा। फिलहाल यार अपनी दुकान में आ चुके हैं, दुकान भी हमने लगा दी है और मैंने ये ओढ़ लिया था, थोड़ा सा क्या बोलते हैं कम्बल बोलते हैं एक तरीके का, क्योंकि यार ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा था हमारे घर की तरफ। यहाँ पे तो अब गर्म हो रहा है शुरू, तो इसे निकाल देते हैं और रख देते हैं यार गाड़ी है। बाकी यार संतोषी भी आ चुकी है, अभी शायद सफाई कर रही हो, देखो हल्का फुल्की सफाई कर रही है अभी, तो जैसे उसकी सफाई निपटती है तब खाएंगे मूली। ये देखो मूली लेके आ रखी है। और बाकी हमारा छोटा डॉगी लाल, यार हम लोगों ने दुकान लगा दी, संतोषी ने भी दुकान लगा दी है, तो अभी मंगाइए चाय, चाय पी रहे हैं। परी भी पी रही है चाय और इसकी मौसी भी पी रही है चाय। बोतल गिरा दिया परी ने। किसने, परी ने गिराया कि उसकी मौसी ने गिराया बोतल? हाँ, मेरी मौसी ने गिरा दिया। तेरी मौसी ने गिरा दिया चप्पल? चलो यार चाय पीते हैं मस्त, फिर उसके बाद बैठेंगे, देखते हैं माल्टे बनाएंगे आज। तो ये संतोषी और परी देखो, ये दोनों मछली मछली खेल रहे हैं। ये बड़ी बड़ी हो गई मगरमच्छ, अरे छोटी हो गई मछली। कल रात फिश ही खाया यार मैंने खाने में। परी का फिश दिखाऊं? अरे दांत नहीं दिखाने यार, फिश दिखानी है। ऐसे ऐसे करो, ये देख के दांत बड़ी बड़ी। अभी हम मार्केट से थोड़ा सा जा रहे हैं बैंक तक, ये भैया का काम है थोड़ा सा बैंक में, तो इनको फॉर्म भरना नहीं आ रहा था, जाके बता दूंगा इनको फॉर्म वगैरह। बाकी देखो गणेश चौक कितना अच्छा लग रहा है। और जरा कहा सर, तो फिलहाल यार बैंक बूंग का काम उन लोगों को निपटा दिया है, अब चलते हैं अपनी दुकान में। टाइम बहुत ज़्यादा लग गया यार वहाँ पे, लग ही जाता है टाइम। तो संतोषी घर से खाना बना के ला गई थी आज, बाकी इसने बनाया हमारे, देखो पराठे भी बनाए हैं, दाल भात मूली चटनी भी है। आज कैसे बना लिया भाई इतना सब कुछ? सुबह का आटा बचा हुआ था तब बनाए मैंने दो पराठे। ये देख रहे हो तुम, चलो कोई नहीं यार खाने बना लिया बहुत है, क्योंकि दिन का गर्म खाना मिल जाए तो इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या है। बाद बाकी मेरी मम्मी हमेशा, मतलब कभी भी हो मैं अगर 3 बजे भी फ़ोन करूँगा फिर भी खाने लेके आ जाते हैं। अभी धीरे धीरे ये भी सीख ही रही है फिलहाल, तो अभी देखते हैं अब कुछ कब कब तक करती है ये। क्यों जब तक तू शादी नहीं करता? करते हैं इस टॉपिक में बाद में बात, पहले खा लेते हैं टट्टी। इसको इनके ऊपर फेंक दो, रुको अभी। बैठे ही हैं, इसका तो कुल फोन पे ही ध्यान है। क्या है फोन में? काला चिकन होता है पता नहीं यार, उस पर कलर कर रखा होगा शायद। पूरा काला चिकन होता है पता नहीं भाई, मैंने तो आज ही देखा है। और थोड़ी देर फोन को छोड़ दे, बैठ जा थोड़ी देर। क्या है फोन में ऐसा? क्या है फोन में ऐसा? ना हो तेरा फोन बेच दूं मैं, नया लाएगा तो एक किडनी देनी पड़ेगी मुझे, तब लाने बुलाऊंगा मैंने। किस्तों में गिरवी क्या रखूंगा मैं? ठंडा लग रहा था यार बाहर पे, मैं तो अंदर आ गया थोड़ी देर के लिए।
इसके कस्टमर थे अभी, तो कस्टमर चले गए तब आया मैंने। वो इसने चला रखा है हीटर यहाँ पे, थोड़ा हाथ पैर सेक लेंगे बढ़िया से, खुद तो यहाँ मजे से बैठे। इसने बोला भी नहीं कि मुझे कस्टमर नहीं अंदर, मुझे लगा कस्टमर है अंदर और मैं बाहर ठंडे में बैठा हुआ था, दो लोगों के साथ में बैठा हुआ था इसलिए नहीं बुलाया। तो फिर भी क्या हो गया यार, बोल देती एक बार फोन कर देती, बाहर इतना ठंडा हो रहा है ना, बैठा नहीं जा रहा है। जा फटाफट जाने ऐसा, तू जा चाय लेने, जा जा ले क्या, इससे पहले कि मेरा क्रोध देखे तू। जा देखते दोस्त आगे बाहर देख, चली गया नारा। कौन कौन वो तेरा दोस्त है यार, वो देख जा रहा है ना, तेरा दोस्त है वो, तेरा दोस्त है वो। चलो भाई चलते यार चाय के लिए बोलने, इसने तो जाना है नहीं। आदत तुम लोगों को पता है यार, ले क्या पानी की बोतल भी लाओ इसके लिए, आगे जा रहा हूँ काफ़ी है। चलते यार, ठंडा वैसे हो ही रहा है काफ़ी, चाय की ज़रूरत तो है। क्या चाय के लिए बोल के आ गए हम, अब चलते हैं अपनी दुकान में, अंकल जी वहीं ला देते हैं यार चाय, काफ़ी अच्छे हैं अंकल जी हमारे, तो वहीं पे ला देंगे। तब तक हाथ पैर गर्म कर लेते हैं, एकदम ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई, टेरी में भी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जैसे बर्फ़ पड़ने वाली है। चलते और देखते हैं क्या कर रही है अभी ये। संतोषी खुली है चाय की दुकान, क्यों होगी बंद? देखते रहिए बाहर से, हाँ कोई कस्टमर मतलब मेरी दुकान पे जाएगा तो बता दियो। हाथ पैर गर्म कर रहा हूँ थोड़ी देर, पैर बहुत ठंडे हो गए यार हाथ। मुझे लगता है मुझे बाहर ही जाना पड़ेगा, इतनी बदबू आ रही है। ले यार मत कर यार सागर, चाय पीते टाइम क्यों बदबू फैला रहे यहाँ पे। ठंडा कितना हो रहा है पता भी है तेरे को? रोज सॉक्स अपने चेंज नहीं कर सकता? रोज ही करे हैं मैंने चेंज, इतनी बदबू आ रही है वहाँ। जा जा कोई आ गया, कोई आ रहा है? हाँ कस्टमर आ गया। देखो भाई मैं पैर गर्म कर रहा हूँ, मेरे जुराब से इसको ज्यादा ही बास आ रही है, जुराब और जूतों से ऐसी है भाई इसकी हरकतें। जुराब से बास नहीं आएगी तो और किससे आएगी यार? फ्री में मांगने आ रही है, देखो यहाँ। ओ चलो भाई यहाँ से, फ्री में देना बंद कर दिया हमने, चल यहाँ से। ये देखो ये चंडीगढ़ से चप्पलें पसंद कर रहे हैं लोग। रेचल का बर्थडे लेना नहीं मैंने उसके लिए? रेचल का बर्थडे है अभी मई में, मई में नहीं है फरवरी में, फरवरी में है तो अभी टाइम है भाई, तो अभी क्या करना तुम्हें चप्पलों का, तब तक तो वो, तब तक तो चप्पल भी छोटी पड़ जाएंगी वो। देखो भाई इसके हाल देखो ना, अब बोले तो क्या बोले हम। सही है भाई ऐसे ही होता है इधर। बस आ गई अब तेरे को टट्टी फिर? हाँ यार ज्यादा तो प्रेशर हो गया ना ज्यादा, देखता हूँ गाड़ी गुड़ी के पीछे जगह मिल जाया करके ना, देखते हैं। तू तब तक दुकान देखेगी वगैरह का सामान वाम मैंने सारा कुछ रख दिया है, तो अब मैं जा रहा हूँ अपने घर के लिए। ये भी हो चुकी है तैयार घर जाने के लिए, नाना दोनों कट्टे चलते रुक जाए। ताला चाबी ये लगाते हैं ताला और फटाफट निकलते हैं।